नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। राजधानी भोपाल में हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हिंदू सेना के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विष्णु गुप्ता ने कहा कि हिंदू सेना NRC का समर्थन करती है और नेहरू जी ने भी इसका समर्थन किया था। महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा होते समय कहा था कि जो लोग इस देश में रहना चाहते हैं वह यहाँ रहें और जो लोग बाहर के देशों में जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वह अपनी बात कह सकता है। वहीं NRC को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में NRC लागू की जाए, यह अपील उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से की। इसके साथ ही आने वाली 14 फरवरी को लेकर सभी हिंदू भाइयों से अपील की है कि वह इस त्यौहार को ना मनाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो हर दिन प्यार बांटने का होता है। अगर कोई 14 फरवरी को अश्लीलता फैलाते हुए दिखाई दिया तो उसे थाने तक जाना पड़ सकता है। हिंदू सेना भोपाल जिला कार्यालय का भी आज हमने उद्घाटन का हमारा कार्यक्रम है। और देश में जिस प्रकार के CA के नाम पर, जैसे दिल्ली में भी आपने देखा होगा साइन बाग में रोड रोक कर धरना दिया जा रहा है, वो कि एकदम गैर कानूनी रूप से है। धरना देने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून इजाज़त देता है कानूनी रूप से आप धरना दो, आपका फंडामेंटल राइट है, आप वहाँ धरना दे सकते हो, लेकिन रोड रोक के धरना देना बहुत ही गलत है। और CA जो कानून है वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की दृष्टि से बहुत अच्छा कानून है। जो भी लोग ऐसा सार्वजनिक तौर पर कहीं पर भी अश्लीलता फैलाते हैं, बस वो सोच लें यदि अश्लीलता फैलाते हुए कहीं पर सार्वजनिक जगह पे वो दिखे तो उनको थाने तक जाना पड़ सकता है। तो मंदिरों में भी हम बोल रहे हैं ना कि ऐसी घटना, यदि अश्लीलता फैलाना एक कानून गैर कानूनी काम है, उस पर एक एक्ट है, लॉ है। मैं हिंदू सेना के कार्यकर्ता ऐसे कहीं पे भी कोई घटना देखेगी कि कानूनन रूप से पुलिस प्रशासन का सहायता लेके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।